तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर वन एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स का जो पेपर जो आप लोगों को सॉल्व करना है, नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस 5, मैक्सिमम मार्क 80, 3 आवर्स का पेपर है। उम्मीद है आप लोग इसको ज़रूर अटेम्प्ट करोगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर तैयार करके जाओगे अपने एग्ज़ाम को करने के लिए। तो समझ लेते हैं, दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 5 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए बी सी डी ई। सेक्शन ए की अगर हम लोग बात करें तो 20 क्वेश्चन आप लोगों को एक अंक यानी कि एक मार्क्स दिलाएगा। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 नंबर के पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको नंबर दिलाएगा वो हो जाएंगे 10। सेक्शन सी 6 क्वेश्चंस कैरी करेगा 3 मार्क्स ईच। सेक्शन डी 4 क्वेश्चंस होंगे जो कि कैरी करते होंगे 5 मार्क्स ईच। सेक्शन ए की बात करें, 3 केस बेस्ड स्टडी जो कि पूछे जाते हैं यूनिट्स ऑफ असेसमेंट के तौर पे, 4 मार्क्स के होंगे, सब पार्ट्स बटे होंगे द वैल्यूज ऑफ 1, 1 एंड 2 मार्क्स ईच रेस्पेक्टिवली, वो आपको नीचे देखने के लिए फिर से मिल जाएंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। हाउ एवर अगर कहीं पर चॉइस होगी 2 क्वेश्चंस के बीच में 5 मार्क्स को लेकर, 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स को लेकर एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ द 2 मार्क्स हैज़ बिन प्रोवाइडेड दिए गए हैं, एन इंटरनल चॉइस हैज़ बिन प्रोवाइडेड इन द 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ई। अब ये लास्ट में जो पॉइंट आउट दिया गया इसको मैं बता देता हूँ। ड्रॉ नीट फिगर वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहाँ कहीं भी आपको लगे कि फिगर बनाना है वहाँ ज़रूर बनाएं, और पाई की जो वैल्यू आप लोगों को लेनी है 22/7 वेयर एवर रिक्वायर्ड इफ नॉट स्टेटेड, अगर दी नहीं गई वहाँ पर तो आप लोगों को 22/7 ही लेनी है, ध्यान रहे थोड़ा सा। अब चलिए बात करते हैं सेक्शन ए की। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि रूट 5, देखिए ध्यान समझ लीजिए रूट 5 इज़ क्या है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख गए हैं, आप लोगों को अपनी कॉपी में डायरेक्ट आंसर लिख लेना है और ज़रूर इसको चेक कराइएगा। एवरी रेशनल नंबर क्या होता है, सभी रेशनल नंबर जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर्स या फिर होल नंबर के अंतर्गत आते हैं, आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 0.4 इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल इन 0, ये आपको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। डिग्री ऑफ 0 पॉलीनोमियल क्या हो सकती है, तो 0 पॉलीनोमियल डिग्री होती है कितनी होती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रूट 2 इज़ अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री, तो किस डिग्री का पॉलीनोमियल रूट 2 होता है, ये आपको ऑप्शन देख के ही बताना है। द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस इज़, तो ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज़ क्या होगा। द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज़, 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे होंगे, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन्स आर, क्वेश्चन नंबर 9 है, पॉइंट वेयर एप्सिसिया इज़ -3 एंड द ऑर्डिनेट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंगल हुज मेजर इज़ मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज़ कॉल्ड, तो वो कौन सा एंगल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन ईच ऑफ देम इज इक्वल टू, तो कितने बराबर होगा ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बाई विच कंग्रुएंस, सर यहाँ पर कंग्रुएंस थोड़ा सा ब्लर हो गया है, ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंस, तो ये थोड़ा सा आपको समझना होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 तरह के हैं यहाँ पर, इस तरह से डायग्राम दिया गया है, फिगर दिए गए, आप लोग जरूर समझें। द 2 डायगनल आर इक्वल इन, 4 ऑप्शन हैं वो भी थोड़े से ब्लर हो गए, तब भी आप लोग समझें, पैरेललोग्राम है और रॉम्बस है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, 4 में से कोई 1 ऑप्शन सही होगा। द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैव, तो 4 ऑप्शन हैं उनमें से कोई 1 ऑप्शन ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल विद पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर, सॉल्व कीजिए। इफ़ साइड आर ऑफ एनी ट्राइंगल आर 2.4.6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, सो सेमी पेरीमीटर क्या होगा ये आपको बताना है। एन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ क्या हो सकता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द डिजिट इन द रिप्यूटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/7, 4 ऑप्शन हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंटेन स्टेटमेंट 1 जो असर्शन बेस्ड होगा और स्टेटमेंट 2 जो रीज़न होगा एंड हैज़ फॉलोइंग 4 चॉइस मार्क्स द करेक्ट चॉइस। देखिए स्टेटमेंट 1 के लिए एंड स्टेटमेंट 2 ये बोथ आर ट्रू, ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, और यहाँ पर जो ऑप्शन लास्ट है स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज़
ट्रू। तो आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 स्टेटमेंट वन असर्शन, इफ एक्स प्लस सेवन इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस टू ए देन ए इक्वल टू माइनस फोर। इसका स्टेटमेंट जो रीज़न के तौर पर दिया गया है, एक्स प्लस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल देन एफ ए इक्वल टू ज़ीरो। स्टेटमेंट वन सेकेंड क्वेश्चन में है 20 वाला। असर्शन बेस में दिया गया है एन इरेशनल नंबर और यहाँ वैल्यू दी गई है रूट टू, ठीक है रूट टू है शायद। स्टेटमेंट टू रीज़न, जो कि द सम ऑफ द रेशनल नंबर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। सेक्शन बी, फाइंड फाइव रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। एक्सप्रेस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। एक्सप्रेस करना 0.99999, 5 टाइम्स 9 है, इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। सिंप्लीफिकेशन मेथड से सिंप्लीफाई करना है, 5√8 प्लस 2√32 माइनस 2√2। 24, यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी इवेलुएट कीजिए 999, ये पावर 3 में है। नेक्स्ट है 25, नेम द क्वाड्रेंट्स इन विच द -5, -4 एंड -2, -4। 26, द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:4:3, फाइंड द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + k। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, राइट द आर एच एस कंग्रुएंस रूल विद डायग्राम। राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। तो टू प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम की आपको बतानी क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हूज साइड्स आर 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। सेक्शन सी 31 क्वेश्चन नंबर, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। 32 में पूछा गया है, रेशनलाइज कीजिए द डिनोमिनेटर ऑफ √6/√2 + √3। और आगे वैल्यूज थोड़ी सी समझाई गई है, थोड़ा समझ लीजिए, √6/√2 + √3, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, फैक्टराइज कीजिए x² + 9x + 18। और सेकंड कह रहा है 2x² - 7x - 15। 34 क्वेश्चन, राइट द क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म 2x - 1 स्क्वायर, ये ब्रैकेट में ऊपर स्क्वायर दिया है। सिंप्लीफाई कीजिए, 125 बाहर लिखा है माइनस का 1/3, और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर जो आपको लगाना है, जिस प्रकार से 1/3 का पावर 3 है, उसके बाहर भी 2 की पावर में दिया है, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, सी फिगर एफ ए बी बराबर है सी डी के, और यहाँ पर एंगल का जो वैल्यू है ए पी क्यू इक्वल टू 60 डिग्री, और साथ में दिया है 107 डिग्री। तो ये जो कि जो है छोटा होगा पी आर डी के, फाइंड एक्स एंड वाई बताना है आप लोगों को। यहाँ पर फिगर दिखाई दे रहा होगा, आप लोग उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। सेक्शन डी की बात करें, जो कि 20 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं इच। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, एबीसी ट्रायंगल दिया है, बाइसेक्टर है डी, एंगल इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी, सो दैट ए बी इक्वल टू ए सी एंड ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलस, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, द एजेस ऑफ अ ट्राइंगुलर बोर्ड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 9 पैसा/सेंटीमीटर², ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, शो दैट इफ अ डायगनल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच एट राइट एंगल देन इट इज अ रॉम्बस। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द एडजेसिंग फिगर। तो यहाँ पर फिगर दिया गया है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को देखना है और वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सेक्शन ई, जो कि केस बेस स्टडी से रिलेटेड है, 4 मार्क्स ईच है, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू टेकन लिए गए हैं ऑन द डायगनल बी डी सच दैट डी पी इक्वल टू बी क्यू, शो दैट। आपके सामने स्क्रीन पे चॉइसेस हैं, यह आपको देखना है, डायग्राम फिगर को देख लेना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग रीड कर सकते हैं, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 43 भी आप लोग जरूर देखें। क्वेश्चन लिखा है, सी द डायग्राम एंड गिव द आंसर, फाइंड आउट करना है।
यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को इसी फिगर को देखते हुए लिखने हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन सबसे आसान है 43, जिसके जो यहाँ चार क्वेश्चन दिए हैं इन चारों के आंसर्स आप लोग फाइंड आउट कर लोगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 44, ऑब्जर्व द ग्राफ एंड राइट द फॉलोइंग डिटेल्स, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, और यहाँ पर दिया एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। तो वैल्यू आप लोगों को दिख रही होंगी, उम्मीद है आप लोग जरूर फाइंड आउट कर लोगे, आसानी से बना भी सकते हो। तो अब ये पेपर हुआ सॉल्व, यहाँ आपको सॉल्व करना है इस पेपर को, यहाँ पर पेपर ख़त्म हो गया है। उम्मीद है पेपर आप लोगों के लिए आसान होगा, क्योंकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो चुकी होगी। प्रैक्टिस कीजिए और कहीं कोई डाउट हो तो ज़रूर अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।